पैगाम जो एक मैगजीन है, मैगजीन है जो कि बहुजनों को संदेश देती है, आज़ादी का संदेश। राजनीतिक आज़ादी तो पहले ही मिल चुकी है भारत में, लेकिन आर्थिक और सामाजिक आज़ादी अभी बाकी है। तो मैं पैगाम पत्रिका के उद्घाटन पर एक संदेश देना चाहता हूँ, देश के मूल निवासी बहुजनों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। क्या आप ब्राह्मण मुक्त भारत का निर्माण करना चाहेंगे? और यही मेरा संदेश है कि गांव-गांव में से किसी भी ब्राह्मण को प्रधान ना बनने दें, सरपंच ना बनने दें, MLA ना बनने दें, MP ना बनने दें, IAS ना बनने दें, और कोई अधिकारी और कोई ऐसा ना बनने दें, क्योंकि ब्राह्मण ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया है। तो पैगाम का संदेश है कि जाति विहीन भारत। बाबा का संदेश मेरा संदेश नहीं है, जाति तो भारत की स्थापना। तो पैगाम के थ्रू मैं संदेश देना चाहता हूँ, जाति विहीन भारत का निर्माण और जाति विहीन भारत की समाज व्यवस्था। और यदि भारत में जो जाति व्यवस्था का निर्माण ब्राह्मणों ने किया है, और अगर वो ब्राह्मण लोग जाति को तोड़ना नहीं चाहते, तो मैं आह्वान करना चाहूँगा ब्राह्मण मुक्त भारत का, क्योंकि यह जब तक ब्राह्मण मुक्त भारत नहीं होगा, तो तब तक जाति विहीन भारत का निर्माण नहीं हो। आप कह रहे हैं कि दलित समाज से सूत्र से बच्चे पैदा होते हैं, वो खुद अपने बच्चों का नाम नहीं रख सकते, फिर भी उन्हीं के पास जाना पड़ता है। नहीं, मेरा मैंने दूसरी बात कही है। मैंने ये कहा है, अब भारत आजाद हो गया है, अब ब्राह्मणों को चाहिए कि जाति व्यवस्था वो खुद खत्म कर दें। हाँ, उन्होंने बनाई है जाति व्यवस्था। जिसने बनाई है उसी को जाति व्यवस्था खत्म करनी होगी, उसी की जिम्मेदारी है। जाति जिसने ये बीमारी फैलाई है उसी का की जिम्मेदारी है कि जाति को खत्म करना। ना छत्री खत्म कर सकते हैं, ना वैश्य खत्म कर सकते हैं। हमारे छत्री भाई भी, बुद्ध तो छत्री थे, गौतम बुद्ध छत्री थे, सम्राट अशोक छत्री थे, वो भी त्रस्त रहे हैं। छत्री त्रस्त हैं, वैश्य त्रस्त हैं, शूद्र तो त्रस्त ही हैं। और जातियों की जेलों में 1743 जातियों की जेलों में कैद बहुजन समाज तो तड़प रहा है। और ब्राह्मण लोग जिन्होंने ये बीमारी का निर्माण किया, वो इसमें ध्यान देने को तैयार नहीं है, वो दुनिया की बात करते हैं। आइए, मैं ब्राह्मणों से करबद्ध निवेदन करता हूं, आइए राष्ट्र हित में, देश के हित में जाति व्यवस्था को संकल्प करने का, खत्म करने का आंदोलन अब ब्राह्मण जाति के लोग शुरू करें। अदरवाइज बहुजन समाज को क्या करना चाहिए? अगर वो ब्राह्मण लोग जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है वो नहीं करते, तो यही से पैगाम का एक दूसरा संदेश होना चाहिए, ब्राह्मण मुक्त भारत। या फिर दूसरा संदेश ब्राह्मणों को लेना है, जाति मुक्त भारत। हाँ, बताइए आप। कहा कि हमने संविधान कैसे खत्म है, पहले तो मैं बता दूं, ये संविधान ने लिखा, ये रही संविधान की किताब, ये रहा भारतीय। यहाँ पे सबसे पहले जो ये प्रेमबल अब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग कौन? हम भारत के लोग आजाद भारत में समता, भाईचारा, बंधुत्व, न्याय, उस ऐसा निर्माण करना चाहते हैं। ऐसा भारत का संविधान बनाया बाबा साहब ने। जब समता की जगह कोई समरसता वर्ड को डाल दे, क्या समता वर्ड अच्छा नहीं है? तो नियत पे शक होता है। संविधान की प्रियम्बल को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं। जब आप बाबा साहब के आरक्षण को चैलेंज कर रहे हैं, तो हमें ये बताइए, क्या मुसलमान लोग आरक्षण का विरोध करते हैं? नहीं। सिख लोग विरोध करते हैं? नहीं। कौन क्रिश्चियन विरोध करते हैं? नहीं। तो विरोध कौन करता है आरक्षण का? आरक्षण का विरोध इस देश का ब्राह्मण करता है, इसलिए मैंने कहा ब्राह्मण मुक्त भारत। सर, भारत सरकार ये कहती है सबका साथ सबका विकास, और आज जो इन्होंने बजट पेश किया है उसमें ना तो देखिए 30%
पहली बात तो ये नारा ही गलत है। सबका साथ का मतलब चोरों का भी साथ कि सबका विकास मतलब चोरों का भी विकास नहीं। 85% का विकास करिए, 90% का करिए, 95% का करिए, लेकिन जो इस देश की भारत की व्यवस्था को तोड़ रहे हैं उनको जेल में अंदर होना चाहिए। उनका विकास नहीं होना चाहिए, चोरों का विकास नहीं होना चाहिए, ब्राह्मणवाद का विकास नहीं होना चाहिए, गैर बराबरी की व्यवस्था का विकास नहीं होना चाहिए। अब ब्राह्मण मुक्त भारत होना चाहिए। तो पहली बात तो ये नारा ही गलत है। अगर विकास है तो 1% भारत के लोगों के पास किस तरह से 63% धन है, तो इनसे 1% लोगों से ये धन छीनिए और बांटिए भारत के लोगों में। विकास कैसे क्या नहीं कर सकती भारत सरकार? कर सकती है, करना ही नहीं चाहते। ये बजट जिस दिन बजट लगता है तो बजट के दिन सबसे बड़ी चोरी तो यहां बजट के दिन होती है। बजट में किनको बजट दिया जाएगा? विकास किसका होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट का 1% लोगों का विकास, 2% लोगों का विकास, 3% लोगों का विकास। यहां भारत में 70 साल से सिर्फ 15% लोगों का विकास हो रहा है। मूल निवासी बहुजनों का तो कभी कोई विकास नहीं हुआ। मूल निवासी बहुजनों का तो ये वोट लेते हैं। मैं यहां से दूसरा संदेश पैगाम के थ्रू देना चाहता हूं। अगर भारत के 85% बहुजन इकट्ठे हो जाए SC ST OBC तो सत्ता पक्ष भी आपका होगा, विपक्ष भी आपका होगा, तीसरा पक्ष भी आपका होगा। ये दूसरा संदेश पैगाम को देना चाहता हूं। लेकिन क्या ये राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए MLA MP लोग ये बात क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वो अपने विचारों को राज सत्ता की MLA MP मंत्री की कुर्सी में गवा बैठे हैं। इसलिए ये जानते सब हैं, लेकिन चूंकि वो गुलाम हैं, वो और हमारे SC ST बहुजन समाज को बेच रहे हैं, इसलिए वो ये बात नहीं कहेंगे। वो संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, इस भारत संविधान में। तो ये बताइए, 70 साल तक आरक्षण को पूरा ना करने में क्या एक भी अफसर जेल गया? क्यों नहीं गया? क्या कांग्रेसी सरकारों ने, क्या BJP की सरकारों ने एक भी अफसर जेल भेजा? और नहीं भेजा तो क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं उन्होंने संविधान का पालन किया? क्यों भारत में बलात्कार होते हैं? क्यों भारत में क्यों यहाँ मानवीय मूल्य नहीं होते? इसलिए बाबा साहब ने जो कहा था, We are entering into era of the contradiction, हम प्रतिरोधों के भारत में, जहाँ पर ये वन मैन वन वोट तो होगा, राजनीतिक आजादी तो होगी, आर्थिक और सामाजिक आजादी नहीं होगी, वही हम भुगत रहे हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं, आप जानते हैं कि देश को आजाद हुआ 70 साल, और बाबा साहब आगरे के मार्च से यही कहा था कि मुझे अगर तो पढ़े लिखे लोगों ने दिया। बिल्कुल ठीक, पढ़े लिखे लोग, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर ये SC ST OBC के लोग ये संविधान को पढ़े, उन्हें पढ़ना चाहिए संविधान को, पढ़ना चाहिए उन्हें, पढ़ना चाहिए गुलामी जो फूले साहब ने की थी उसको, उससे आजादी होने का मंत्र पढ़ना चाहिए। लेकिन ये तो लोग तो ब्राह्मणवाद के शिकार हो गए, ये लोग तो चंगुल में ही फंस गए, देवी देवताओं के चंगुल में फंस गए। तो हमारे पढ़े लिखे लोगों ने बिल्कुल धोखा दिया। क्या 6,40,000 गाँव में, क्या 6,40,000 गाँव में जो पढ़े लिखे लोग, क्या ये 1,00,000 लोग एक एक गांव में जाएं, अपना अपना गांव आजाद कराएं, तो क्या ये भारत आजाद नहीं हो सकता? हाँ, पढ़े लिखे लोगों ने, भारत के पढ़े लिखे लोगों ने, जिन्होंने आरक्षण का लाभ ले लिया, जिन्होंने SFO इंजीनियर डॉक्टर बन गए, इन्होंने कभी भी अपना सामाजिक दायित्व नहीं निभाया, इन्होंने सिर्फ तनख्वाह ली और इन्होंने ब्राह्मणवाद को सिर पर उठाया। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ बाबा, सहमत हूँ। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा उस समय भी दिया था, आज भी दे रहे हैं, आज भी ये कांग्रेस को ढो रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, फिर ये कांग्रेस की बात कैसे करते हैं? तो सवाल ये है, चाहे वो आप कांग्रेस को ढोइए, चाहे आप BJP को ढोइए, दोनों के दोनों ये आदिवासी बहुजनों के शत्रु हैं। हमें शत्रु की पहचान करनी चाहिए, इसलिए आज भी पढ़े दे रहे हैं, देवता पूज रहे हैं, बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं नहीं मान रहे हैं, बाबा साहब को भी धोखा दे रहे हैं, बहुजनों को भी धोखा दे रहे हैं, और इस देश के भी गांव के जो मैगजीन लॉन्च हो रही है। हाँ हाँ, अंतिम क्या एक संदेश दे रहे हैं? अंतिम संदेश, हमें अपने से, अपने घर से,
अपने बच्चों से, रिश्तेदारों से शुरुआत करनी होगी। क्या ब्राह्मण हमारे घरों में ये देवी देवता टांग जाता है? नहीं, अपने अपने घर को देवी देवताओं से मुक्त करा लो, पहला। दूसरा संदेश जो ये पैगाम से देना चाहूँगा, बहुत बढ़िया मैगजीन का नाम है पैगाम, मतलब संदेश। संदेश आज़ादी का दूसरा संदेश, हमें अपनी मानसिक गुलामी को, अभी देखिए कोई फिजिकली तो कोई गुलाम है नहीं, कोई बेड़ियां नहीं जकड़ी हुई हैं, तो है क्या? हम गुलाम कैसे हैं? हम मानसिक गुलाम हैं, हम में ये डर है, हम में ये भय है, और उस भय को निकाल करके देवी देवताओं का भय, ब्राह्मणवाद का भय, गैर बराबरी का भय, जाति प्रथा का भय, हिंदू देवी देवताओं का भय, इस भय को निकाल करके अपने से शुरुआत, अपने रिश्तेदारों, चाचा ताऊ बहन, इनसे इस ये ब्राह्मणवादी की गैर बराबरी व्यवस्था को ढोने का काम खत्म करना होगा, आज से, अभी से, अभी से। और के लोग करें एक काम तो कर लें, अपना घर आजाद कर लें, अपने रिश्तेदार आजाद कर लें, और ये भारत आजाद हो जाएगा। आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी, आपको कोई लड़ाई नहीं लड़नी, आपको कोई आक्रमक आंदोलन नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ देवी देवताओं से मुक्त होना है, ब्राह्मणवाद से मुक्त होना है। ब्राह्मणवाद से मुक्त हो गए, अंबेडकर को, बुद्ध को, फूले को, कबीर को, नानक को, रैदास को, चोखा मेला को, और अपने गुरुओं को जीवन में अपना लो, आप आज़ाद हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। यही मेरा अंतिम संदेश है।